हाइड्रा फेशियल जिसका मार्केट वैल्यू 5000 से स्टार्ट होता है। एंड आपने यहाँ पर टेलर भी देख लिया गाइस, कैसा रिजल्ट मुझे मिली है, मैंने नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज किया है। यस, हाइड्रा फेशियल में जो इंग्रेडिएंट्स यूज होता है ना, एग्जैक्ट आपको सब्सटीट्यूशन आपके घर से ही मिल जाएंगे। नेचुरल रेमेडी भी होगा, रिजल्ट भी ऑलमोस्ट सेम होगा, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा एंड आपके बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। तो चलिए एट होम हाइड्रा फेशियल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप है क्लेंजिंग, उसके लिए आपको चाहिए रॉ मिल्क। आप काउ मिल्क ले सकते हो, अगर आपके पास रॉ मिल्क नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पेस्टराइज या फिर बॉइल्ड मिल्क भी ले सकते हो। उसके साथ आप ग्लिसरीन ऐड कर लीजिए। यस, ग्लिसरीन हर स्टेप में इम्पॉर्टेंट है, यही सब्स्टिट्यूट होने वाला है हमारी हाइड्रा फेशियल का। तो इसे मिक्स करने के बाद आपकी पूरी फेस पर अच्छी से अप्लाई कर लीजिए, रब कर लीजिए 1 से 2 मिनट, उसके बाद वाइप आउट कर लीजिए एंड एक बार क्लीन वाटर से स्किन को वॉश कर लीजिए। फर्स्ट स्टेप में ही देखेंगे आपकी स्किन काफ़ी क्लीन हो गई। सेकंड स्टेप है हमारी एक्सफोलिएशन, जो माइल्ड एक्सफोलिएशन होने वाला है। ले लीजिए बेसन 1 टीस्पून, उसके साथ रोज वाटर मिक्स कीजिए एंड फ्यू ड्रॉप ऑफ अगेन ग्लिसरीन। ग्लिसरीन हर स्टेप में यूज होने वाला है, ये आप अच्छी से मिक्स कर लीजिए एंड पूरी फेस पर आप अप्लाई कर लीजिए। यहाँ पर भी आपको 3 से 4 मिनट हल्की हाथों से रब करना है, आप माइल्डली एक्सफोलिएट करेंगे आपकी स्किन को। तो गाइज, ये जो रेमेडीज या फिर स्टेप्स मैंने वन ऑफ माई फेवरेट इन्फ्लुएंसर से, मतलब उनकी वीडियो से मैं इंस्पायर होकर घर पर किया है, बहुत अच्छी रिजल्ट मिली है, दैट्स वाई आपसे शेयर कर रही हूँ। तो 2 मिनट के बाद स्किन को वाइप आउट करके धो लीजिए, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप है मसाजिंग। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ बीट रूट पाउडर। ये अगर आपके पास नहीं है, आप जो रॉ बीट होती है उसका जूस निकाल लीजिए, बढ़िया काम करेगी। उसके साथ क्लियर एलोवेरा जेल 1 टीस्पून, थोड़ी सी रोज वाटर एंड अगेन फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ग्लिसरीन, इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए एंड आपकी स्किन पर इसे अच्छी से पूरी फेस पर अप्लाई कर लीजिए। हाँ, मैं भूल गई, नेक पर भी मैं ये रेमेडीज यूज़ कर रही हूँ। तो पूरी फेस पर अप्लाई करने के बाद आपको जितनी मसाजिंग स्ट्रोक्स आते हैं, आप पूरी फेस पर उसे अप्लाई कर लीजिए। जितना अच्छा मसाजिंग करेंगे उतना आपकी स्किन ग्लो होगी, मतलब ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगी एंड ये जो रेमेडीज है आपकी स्किन की डीप में जाएगी, काम भी बढ़िया करेगी। एंड ये देखिए गाइज, थर्ड स्टेप में ही स्किन कितनी ग्लो कर रही है। ये रेमेडीज बहुत ही इफेक्टिव है गाइज एंड आपकी स्किन पर इंस्टेंट रिजल्ट देगी। तो इसे वाइप आउट करने के बाद स्किन को वॉश कर लीजिए। फोर्थ जो स्टेप है, दैट इज फाइनल स्टेप, फेस पैक। तो यहाँ पर मैं लिक्विडाइज पाउडर यूज़ कर रही हूँ, अगर आपके पास मुल्तानी मिट्टी या फिर सैंडलवुड पाउडर है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। इसके साथ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ग्लिसरीन एंड बाइंडिंग के लिए थोड़ा सा रोज वाटर मिक्स करके पूरी फेस पर अप्लाई कर लीजिए एंड इसे आपको कुछ नहीं करना है, बस अप्लाई करना है एंड 20 to 30 मिनट्स आप फेस पर इसे रख दीजिए, नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए एंड दैट इज द ग्लो गाइज। तो हाइड्रा फेशियल का मेन जो मोटिव होता है हाइड्रेशन, ये समर्स के लिए बहुत अच्छी होगी, स्किन पर काफ़ी ग्लो आ जाती है गाइस। ये फेशियल आप हफ्ते में एक बार कर सकते हो, महीने में 2 बार कर सकते हो, फ्रिक्वेंटली कर सकते हो, बहुत अच्छी है एंड बहुत अच्छी रिजल्ट देती है। आप इसके बाद स्किन को मॉइस्चराइज कर भी सकते हो, ना भी कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। सो गाइज, अगर आप ये फेशियल ट्राई करते हो घर पर तो अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।